और हमारे जो सम्मानित ग्राम प्रधान हैं, स्थानीय निकाय के सदस्य हैं, उन सभी का एक ये सम्मिलित कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे आज के मुख्य अतिथि के रूप में परम सम्माननीय आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय, हमारे एडीओ पंचायत साहब, हमारे प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला शैक्षिक संघ, हमारे उच्च प्राथमिक शिक्षक संघ के सभी पदाधिकारी गण, सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। सर को चूंकि इस समय मीटिंग में जाना है तो सर से मैंने अनुरोध किया था, उन्होंने कहा बिल्कुल मैं ठीक 12 बजे आ जाऊंगा, वो समय पर आ गए हैं। हमारे वित्त एवं लेखाधिकारी महोदय भी उपस्थित हैं। हम कार्यक्रम को आप सभी की तरफ से, पूरे विकसित शिक्षा परिवार की तरफ से सर को यहाँ उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक सम्मान व्यक्त ज्ञापित करता हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा कुछ न कहते हुए सर को ही मैं माइक देता हूँ, क्योंकि उनको जो है जाना है मीटिंग में। ये तो थक जाएंगे, रुकने लगेंगे, इसलिए आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। और लोधा आने के पहले मैं गोंडा में एक कार्यक्रम अटेंड करके तब लोधा में आ रहा हूँ। गोंडा अटेंड किया, इसके बाद यहाँ, फिर आयुक्त महोदय की बैठक, फिर 4 बजे बैठक, फिर 3 बजे। और हम सभी को एक ही काम करना है कि इसको सुंदर कैसे बनाना है। ये जो टीम हमारी बैठी है, चाहे SMC एडीओ साहब है, हम सभी की सम्मिलित रूप से जिम्मेदारी है कि कैसे चीज़ों को बेहतर करें। और हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से इस प्रयास में लगा हुआ है कि हम चीज़ों को कैसे बेहतर करें। एडीओ साहब के दिशा निर्देशन में ग्राम पंचायतों में रख रखाव, वहाँ पर जो आपके स्कूलों में कायाकल्प के निर्माण के काम, और जो भी साफ सफाई सैनिटेशन, तमाम ऐसे काम होते हैं, हम शिक्षा विभाग के लोग कक्षा 1 से लेकर लगातार कक्षा 8 तक बच्चों को शिक्षा देते हैं, फिर माध्यमिक शिक्षा विभाग, हम सारे लोग इस प्रयास में लगे हैं कि इस दुनिया को ज्ञानवान कैसे बनाया जाए और प्रकाशमान कैसे बनाया जाए, और धरती के सबसे सुंदर ग्रह को और सुसज्जित कैसे बनाया जाए, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ इस पर अच्छे तरीके से रह सकें। देता है जिले को BSA देता है सारे संसाधन, जिला किस दिशा में जाएगा, उसकी स्टेयरिंग पर किसको बैठाया जाएगा, ये हमारे योग के गुरु जी तय करते हैं। तो आप समझिए कि आप कितने इम्पॉर्टेंट विभाग में काम करते हैं और आपका काम कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मानव को मानव बनाना और उसको आगामी दुनिया तक ले जाना, ये शिक्षा जगत का काम है। और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि इसमें हम काम कर रहे हैं। मेरे नेतृत्व में इन 7 महीनों में आप सभी ने, हमारे समस्त शिक्षक प्रतिनिधियों ने, आप सभी ने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम किया है। और बहुत कम समय में उत्तर प्रदेश के अधिकांश पैरामीटर में अलीगढ़ ने प्रथम स्थान लाने का काम किया। मैंने कार्यभार ग्रहण किया था तो मुझे भी एक बार डर सा लगा था कि क्या चुनौती के रूप में मुझे जो जिम्मेदारी मिली थी, मैंने उसको संभालने का काम किया। और इस काम में हमारे शिक्षक संगठन, हमारे शिक्षक, हमारे खंड शिक्षा अधिकारी, सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, हमारी जो पूरी टीम है जिसको टीम बेसिक शिक्षा कहते हैं, इससे बड़ी टीम किसी के पास नहीं है। 11,000 लोग हमारे साथ काम करते हैं और हमारे सपनों को जीने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। आप 4 बजे घर से निकलते हैं तो अपने आप लगातार गुमनाम तरीके से, नाम तो मेरा होता है, तालियां तो मुझे मिलती है, बुके मुझे मिलता है, माला फूल मुझे मिलता है। हमारे एजुकेशन लीडर्स जो हमारे लिए काम कर रहे हैं उनको बहुत कम अवसर मिल पाते, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि इन एजुकेशन लीडर्स में जब भी मुझे समय मिले, मौका मिले, तो इनको भी वो सारे सम्मान, वो सारी चीज़ें समय समय पे मिलती रहें, ताकि वो हमारे लिए लगातार अच्छा काम करते रहें। हम सभी मिलके इस ज़िले को और भी खूबसूरत, और भी अच्छा, और भी बेहतर बनाने का काम करेंगे। कंपोजिट ग्रांट की धनराशि आपके स्कूलों पे पहुंच, स्कूल को कैसे सुंदर और अच्छा बनाना है उसमें करने की ज़रूरत है। जहां पे भी हम सभी हैं अपनी ड्यूटी को सही तरीके से करने की ज़रूरत है। मैं अपने खंड शिक्षा अधिकारी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपका लोधा विकास खंड आप सभी की मेहनत से, संयुक्त मेहनत से जनपद में अधिकांश पैरामीटर पर प्रथम आता है, इसके लिए आपको बधाई देता हूं। और खंड शिक्षा अधिकारी का कार्य बहुत सराहनीय है, हमारी पूरी टीम का कार्य सराहनीय है। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम सभी बेहतर अलीगढ़,
बेहतर उत्तर प्रदेश के लिए लगातार काम करते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम में हमारे आज के मुख्य अतिथि थे आदरणीय बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय, वो तो नहीं है, अरे आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय लोधा मंचा सिंह, हमारे उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के संरक्षक, मेरे बड़े भाई, परम श्रद्धेय परम आदरणीय श्री राधेश्याम शर्मा जी, मेरे भाई राष्ट्रीय शैक्षिक संघ के जिला मंत्री श्री सुशील शर्मा जी, मंचा सिंह, सभी सम्मानित एआरपी बंधु, सम्मानित अन्य जो भी विकास स्तर के अन्य संगठनों के पदाधिकारी हैं, सभी को नमन करते हुए, हमारे जो बड़ा कुशल संचालन कर रही थी बहन, उनको भी नमन करते हुए, मेरे सामने जो सभागार में बैठे हुए हैं सभी सम्मानित हमारे शिक्षक बहन भाई और सभी जनप्रतिनिधिगण, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, बहुत देर से ये कार्यक्रम चल रहा है और इसका उद्देश्य ये इसका नाम ही उन्मुखीकरण है, तो इसमें इतर हमको बात ज्यादा नहीं करनी है, संक्षेप में ही अपनी बात मैं रखूंगा। बहुत कहीं हमारे सर भी कह रहे हैं, कुछ हमारे शासनादेश ऐसे हैं, विभाग के आदेश ऐसे हैं जिसकी वजह से सर को भी मजबूर होना पड़ता है, शिक्षकों को भी मजबूर होना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कत है निश्चित रूप से। अभी हमारे शर्मा जी भी बता रहे थे, एआरपी सर शर्मा जी, लेकिन बहुत सारी व्यवहारिक दिक्कतें हैं जिनको वो भी जानते हैं। ये अलग है कि अब आप इस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं एक शिक्षक के रूप में, पहले आप शिक्षक के रूप में एक विद्यालय में भी थे और कल भी शायद दो चार चार छह साल बाद जब भी मौका मिले फिर विद्यालय में ही होंगे, तो बहुत सारी, मैं ये नहीं कह रहा शासन या विभाग की कोई चीजें हैं कि उनको हम कहीं विरोध कर रहे हैं या नकार रहे हैं, कहीं ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी शिक्षक की ऐसी मंशा नहीं है। जो भी भाई हम जो हमारा अपॉइंटमेंट हुआ है वो शिक्षण कार्य के लिए हुआ है, केवल शिक्षक ही ऐसा है, आप सम्मानित हमारे सभी प्रधान जी जानते हैं, केवल शिक्षा विभाग में शिक्षक ही ऐसा है जो अपॉइंटमेंट तो उसका शिक्षण कार्य के लिए हुआ है लेकिन उससे कराए विभिन्न कार्य जाते हैं, केवल यही उदाहरण मिलेगा। आप और विभाग में चले जाइए, आप केवल स्वास्थ्य सेवा देना है, बच्चों को पढ़ाना नहीं है, या और कहीं दूसरे विभाग में चले जाइए, लेकिन फिर भी क्योंकि हम शिक्षक हैं और हमें हर समस्या को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना है, निश्चित रूप से हमें बच्चों को पढ़ाना है और अच्छी शिक्षा देना है, गुणवत्ता परक शिक्षा की बात होती है, लेकिन मैं यहाँ एक बात कहूंगा कि ये तभी, इसमें एक पहलू ऐसा है जो निश्चित रूप से सारे शिक्षकों को, हमारे सारे अधिकारियों तक को परेशान करता है और वो है अभिभावक वाला पहलू। निश्चित रूप से जब तक सरकार कोई एक्ट में ऐसा संशोधन नहीं करेगी, उसमें आरटी में चाहे आरटीआई हो, आरटीई की बात कर रहा हूं, आरटीआई नहीं, उसमें कुछ ऐसा संशोधन नहीं करेगी जब तक अभिभावकों की जिम्मेदारी नियत नहीं होगी, मैं ये निश्चित रूप से या मंच के माध्यम से कह रहा हूं, हम प्रयास करें लेकिन जितना प्रयास कर रहे हैं उसके अनुरूप हमें परिणाम शायद ही मुश्किल से प्राप्त होंगे। खैर, मैं ज्यादा कहते हुए क्योंकि काफी समय से आप बैठे हैं, निश्चित रूप से हमें अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जहां तक अभी हमारे दौलत सर कह रहे थे, सही कह रहे थे कि बहुत अच्छे परिणाम देखने को निपुण में मिल रहे हैं और ये हमेशा से ही रहा है। मैं कह रहा हूं जब मैं पढ़ता था, आप पढ़ते होंगे तब से ही रहा है, 100% बच्चे कभी निपुण नहीं हुआ करते थे, शायद हो सकता है कि मैं जब पढ़ता था तब न होते हो, अब ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये निश्चित है अगर हम 70-80% रिजल्ट दे रहे हैं तो निश्चित रूप से सही दिशा में जा रहे हैं और हमें जाना भी चाहिए, तो कहीं भी हमें विचलित नहीं होना है। चैलेंजेस हमारे सामने हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, गैर शैक्षणिक कार्य, अभी देखो बोर्ड ड्यूटी आ गए, सारी चीजें बीएस साहब भी जानते हैं, मेरी बीएस साहब से बात हुई कि भाई निश्चित रूप से प्रभावित हो रहे हैं सारे के सारे टीचर्स, किसी में एक रह गया किसी स्कूल में, इधर यहाँ हमारे खंड शिक्षा अधिकारियों पे दबाव, बीएस साहब पे दबाव, सारे सब जगह दबाव, लेकिन मजबूरी इनकी भी है, जब भाई शासन से जो प्राथमिकता की चीजें इन्हें करना पड़ेगा, जैसे दिव्यांग शौचालय की बात हो रही थी, शासन से निर्धारित है, तो
तो ना उसे डीएस साहब रोक सकते, ना हमारे डीओ सर रोक सकते, कोई नहीं रोक पाएगा। खैर, मेरा मंच के माध्यम से ये अनुरोध है आपसे, क्या आप अपने शिक्षण कार्य पर पूरी तरह ध्यान दीजिए। बच्चों को जितना ला सकते हैं, हम जितना अभिभावकों के संपर्क में आ सकते हैं, उतना ज्यादा से ज्यादा प्रयास करिए, और यही शिक्षक की एक महानता है। और जहां तक अभी प्रधान जी हमारे कह रहे थे, बात सही है, लेकिन जहां अगर बच्चे, अगर स्कूल अच्छा है, बच्चे अच्छे पढ़ लिख गए, तो प्रधान जी गांव का विकास तो अपने आप हो जाएगा निश्चित रूप से, ये निश्चित है। जहां का कोई गांव पढ़ा लिखा, जहां प्रदेश पढ़ा लिखा हो, देश हो, वही विकास होता है, वही विकसित देश गांव बनता है। तो मैं ज्यादा कहते हुए एक और मैं अनुरोध थोड़ा मंच के माध्यम से आपसे करना चाह रहा हूं। वैसे मैं ऐसी बात करता नहीं हूं कि हमारी बीआरसी की भी दशा बड़ी खराब चल रही है। अभी बीओ सर मत दो कहीं भी ऐसा, और न किसी पर दबाव है। कोई ये सोचे प्रधानाध्यापक कि भाई कहीं ये तो एक वोट डाल दिया साहब, हमारे यहाँ नहीं हुआ है, हर ब्लॉकों में कर भी दिया, लेकिन मैं इस पक्ष में कभी नहीं रहता, क्योंकि हमारे खंड शिक्षा अधिकारी ऐसे हैं, सुलझे हुए हैं निश्चित रूप से। अभी ये तो करें ना, मैं ये तो है नहीं कि जाए एक स्कूल में लेट मिली, 5,000 रुपए ले लिए, चलो ये नहीं टाइल्स में लगा दूंगा। फिर ऐसा हुआ है अन्य ब्लॉकों में, उस व्यवस्था का मैं विरोध करता हूं। सर कहे अभी सुशील भी बैठे हुए हैं भाई, ये भी अभी संबोधन करेंगे सर, और हमेशा आपकी कहीं शिक्षकों की समस्या की बात है तो ये मंच ऐसा नहीं है, हमेशा एक संगठन की दृष्टि से हमेशा आपके साथ हम खड़े हुए। बस इसी के साथ मैं पुनः इन सभी आयोजकों को धन्यवाद देते हुए, आप सभी को पुनः नमन करते हुए, वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय शिक्षक, जय भारत।